तो गाइज जयपुर में जो एलविश यादव ने थप्पड़ मारी थी ना गाइज, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर कोई किसी को गाली बकराए तो भाई गाली कोई नहीं सुन सकता। नंबर सेकंड बात ये है कि अगर जो हिंदू धर्म के लिए हमेशा गरीबों के लिए हमेशा रेडी होता है, सनातनी धर्म के लिए हमेशा रेडी होता है भाई, ऐसा बंदा जो दिन रात भाई धर्म के लिए खड़ा है, गरीब लोगों के साथ खड़ा है, ऐसे बंदे को अगर आप गाली बकरे हो तो आप समझ सकते हो कि एक्चुअल में वो कौन होगा गाली बकने वाला। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ भाई एलविश यादव ने भाई जो किया है ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट किया है। दो तीन थप्पड़ देने के बजाय भाई उसको बहुत अच्छे से कूटना चाहिए था, बहुत अच्छे से मारना चाहिए था, ये मैं बोलता हूँ। ठीक है, और गाइज आप लोग अगर इस बात से एग्री हो तो गाइज आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और भाई एलविश यादव को भाई मैं बोलता हूँ सपोर्ट दीजिएगा, एक मोटिवेट, क्योंकि एक्चुअल में दुख सबको होता है कि अपन मतलब थप्पड़ देने के बाद में भी दुख होता है, तो यही बोलूँगा। थैंक यू भाई, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। ना मेरे को शौक़ है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक़ है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फ़ोटो खिंचवाने को कहता है हम खिंचवाते हैं उसके साथ आराम से फ़ोटो, पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाड़ी देता देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल दो तुम्हें दिख रही होगी साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं, कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया, ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर साड़े के दे दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो, ऐसा ही हूँ मैंने ना उसको कुछ कही, उसने मेरे को गाली बकी तो उसने मैंने उसको दे दिया, मैं अपने स्टाइल में, वो मुँह से बोलता हम मुँह से नहीं बोल पाते भाई।